दोस्तों आज हम आपको पीएच स्केल के बारे में बताएंगे। पीएच स्केल क्या होता है, चलो जान लेते हैं। पीएच स्केल का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का वैभव। इस स्केल से किसी भी घोल की क्षारीयता और अम्लीयता को पहचाना जा सकता है। इसमें 14 तक की इकाई संख्या निर्धारित होती है। पीएच मान 7 उदासीनता को दर्शाता है, यानी कि यह न तो क्षारीय है और न ही अम्लीय है। यदि किसी चीज का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीयता को दर्शाता है, यदि 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीयता को दर्शाता है। अम्लीयता का मतलब एसिड होता है और क्षारीयता का मतलब बेस होता है, यानी कि अल्कलाइन होता है। इस पीएच स्केल का पता लगाने के लिए एक व्यक्ति ने इस पीएच स्केल की खोज की, जिसका नाम है एसपी सुरेनसन। आइए हम जानते हैं पदार्थ और उनके पीएच मान के बारे में। जल, इसका पीएच मान 7 होता है, यह बिल्कुल ही स्वादहीन होता है, यानी कि न्यूट्रल, न अम्लीय और न ही क्षारीय। आंसू, आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। नमक, नमक का पीएच मान 7 होता है। लार, लार का पीएच मान 7.4 होता है। दूध, दूध का पीएच मान 6.6 होता है। ब्लड, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। यूरिन, यूरिन का पीएच मान 6 होता है। सिरका, सिरका का पीएच मान 3 होता है। शराब, शराब का पीएच मान 2.8 होता है। नींबू, नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। समुद्र का जल, इसका पीएच मान 8.4 होता है। बैटरी, जो अधिकतर गाड़ियों में काम में ली जाती हैं, उन बैटरियों का पीएच मान बिल्कुल 0 होता है। स्टोमक एसिड, इसका पीएच मान 1 होता है। ऑरेंज जूस, उसका पीएच मान 3 होता है। टमाटर का पीएच मान 4 होता है। ब्लैक कॉफी का पीएच मान 5 होता है। बेकिंग सोडा का पीएच मान 9 होता है। सोप वाटर का पीएच मान 12 होता है। ब्लीच का पीएच मान 13 होता है। ड्रेन क्लीनर का पीएच मान 14 होता है, यानी कि लैट्रिन वगैरह साफ करने वाली हार्पिक या तेजाब, उनका पीएच मान 7 होता है। प्रिय दोस्तों, आगे भी आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें और शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।